हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज हमारे साथ हैं रिचा एस्ट्रो विजन से रिचा लूथरा जी। देखिए, मैंने अपने जीवन में बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स को सुना है, समझा है, लेकिन ट्रस्ट मी रिचा जी, आई एम वेरी हैप्पी कि आज आप हमारे चैनल पे आए हैं। शी इज जेम ऑफ अ पर्सन, शी इज जेम ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर। बहुत बहुत स्वागत रिचा जी आपका। धन्यवाद नवनीत जी। आपके बारे में जितना मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं क्या कहूँ कि आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की इतनी कृपा है कि जब आप जब बोलते हैं तो कोई भी आपको घंटों सुन सकता है। और ज्योतिष के माध्यम से आपने हजारों लोगों के जीवन को बदला है, उसे एक नई दिशा प्रदान की है। बहुत से लोगों ने आपसे बहुत कुछ सीखा है और उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। बहुत तो बहुत ये हम शुक्रिया। सबका सौभाग्य है कि आज हम आपसे जुड़ रहे हैं। तो नवनीत जी, अगर आपकी आज्ञा हो बिल्कुल तो आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करें। बिल्कुल ऋचा जी, तो आज किस टॉपिक पे आप जो है विवेचन या डिस्कशन चाहेंगे? और मैं चाहूंगा कि ये कंप्लीटली इंटरैक्टिव सेशन हो जिसमें आप भी बिल्कुल बहुत सारी इनपुट्स दें, बिकॉज आपकी जो रिसर्च है वो भी एक सुपर्ब लेवल पे है आज की डेट में। सो प्लीज बताएं कौन सा टॉपिक आज आप जानना चाहेंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है वीनस रिलेशनशिप एंड मैरिज, जी कि हमारे बर्थ चार्ट में वीनस की प्लेसमेंट किस तरह से हमारे जीवन में रिलेशनशिप और मैरिज को प्रभावित करती है। ओके, देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मुझे लगता है नई पीढ़ी को बहुत डिटेल में समझाने की जरूरत है, स्पेशली शुक्र के बारे में, क्योंकि बहुत सी मिसकॉन्सेप्शंस शुक्र देवता को लेके, शुक्राचार्य को लेकर हमारे ज्योतिष में जो है वो बहुत कॉमन है। देखिए, सबसे पहले जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है शुक्र की, जब मैंने ज्योतिष को पढ़ना शुरू किया, बहुत सी किताबों में शुरुआत जो होती है वो किताबों से होती है, ग्रंथों से नहीं होती है। और किताबों में जो मुझे परिभाषा मिली वो थी लग्जरी, लव, रोमांस, इस चीज के बारे में बहुत कुछ लिखा गया शुक्र के बारे में। लेकिन जब हमने शास्त्रों को पढ़ा, श्लोकों को समझना शुरू किया, तो एक बहुत आश्चर्य मुझे ये हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं इतनी देर से पढ़ता आ रहा था। लोगों ने शुक्र को सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ जोड़ा, लोगों ने शुक्र को रोमांस और लस्ट के साथ जोड़ा। शुक्र आपको फीमेल या गर्लफ्रेंड के बारे में लोगों ने कहा कि शुक्र इज योर फीमेल, आपकी जो गर्लफ्रेंड है, पत्नी है, ये शुक्र है। लेकिन अगर आप डीपली इसको समझने की कोशिश करें तो शुक्र गर्लफ्रेंड या बेटी या बहन या माँ या कोई भी ऐसी फीमेल देवी शक्ति जो आपके साथ हो, हम उसको शुक्र कहते हैं, पहली बात। और वो भी शुक्र नहीं है, उनके द्वारा जो हमें डिवोशन मिलती है, जो एक रिलेशनशिप का अभाव हमें होता है, दैट इज वीनस। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा शुक्र है। नो, उस पत्नी द्वारा जो एक डिवोशन आपकी तरफ आती है, वो जो डिवोशन है वो शुक्र है। और ये डिवोशन जब हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाती है तो वो परमात्मा के लिए जो आपकी डिवोशन बन जाती है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो मैंने बहुत से ऐसे संत महापुरुष देखे हैं जिनकी कुंडली में शुक्र को वीक देखा है, जिनकी कुंडली में मैंने शुक्र को एफ्लिक्टेड देखा है, क्योंकि उनकी संसारिक जो डिवोशन है वो खत्म होकर कहीं ना कहीं पर उनकी डिवोशन जो है एक जीरोनेस पे पहुंच जाती है। और जब आपको जीरोनेस की जरूरत होती है तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में आपको स्ट्रॉन्ग या बहुत पावरफुल शुक्र चाहिए ही नहीं। अगर आप किसी महात्मा से पूछे ना कि आपके कौन से ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, पावरफुल हैं, तो वो आपको जवाब देंगे कि हमारे सारे ग्रह जीरो हैं। और वही तो चाहिए, जीरो जीरो जीरो, सतो सतो सतो, सत्व गुणा
जो है दैट इज एक्चुअली रीचिंग टू द एक्सट्रीम जीरोनेस। और शुक्र को आप जितना डीपली आप समझने की कोशिश करेंगे उतना आपको शुक्र का एक्चुअल एसेंस जो है समझ में आएगा। देखिए विवाह और शादी और जिस प्रकार शुक्र उसको इफेक्ट करता है, वो शुक्र ग्रह नहीं इफेक्ट करता है। नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, लेकिन शुक्र की जो पोजीशन है, शुक्र की जो युतियां हैं, प्रति युतियां हैं, जो एनर्जी उस पर्टिकुलर युति प्रति युति से निकलती है, वो आपके विवाह को, आपके रिश्ते को प्रभावित करती है। अब जैसे बहुत से लोग शुक्र को रोमांस और सेक्सुअल एक्टिविटी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कारक कहते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, शुक्र कभी भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो सकता। किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी शुक्र में नहीं होती है, वो एनर्जी मंगल में है, वो एनर्जी चंद्र में है। इसीलिए जब वो एनर्जी, विदाउट एनर्जी शुक्र कैन नॉट डू एनीथिंग। शुक्र इज नॉट अबाउट सेक्सुअल एक्टिविटी, शुक्र इज अबाउट सेक्सुअल ऑर्गन्स, राइट? तो सेक्सुअल ऑर्गन जो शुक्राणु है, वो अपने आप में कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, दे कैन नॉट डू एनी एक्टिविटी। इट इज मार्स, इट इज दी एनर्जी ऑफ चंद्र, यू नो दैट हैज टू बी एनालाइज। अब लोग कहते हैं जी वीक शुक्र है, जिसके बारे में मुझे पता है आपकी बहुत अच्छी रिसर्च है, आप उसके बारे में बताएंगे एग्जॉल्टेड और वीक शुक्र के बारे में, लेकिन वीक शुक्र का मतलब ये नहीं है कि शुक्र अगर आपका वर्गो में आ गया, एक नक्षत्र में आ गया, तो शुक्र वीक हो गया। एक शुक्र वीक तब होता है जब उसके साथ साथ मंगल और चंद्र भी वीक होते हैं, राइट? या एक शुक्र खराब तब होता है जब वो बुरी तरह से अफ्लिक्टेड हो जाता है। तो इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा रिसर्च आप भी इसमें बताएं, ताकि मेरी रिसर्च आपकी रिसर्च के साथ किस प्रकार वो सिंक्रनाइज होती है, वो हम अपने फॉलोअर्स को बता सकें। जी ऋचा जी, देखिए नॉर्मली शुक्र को जो है, शुक्र वीनस को मैरिटल हैप्पीनेस का नेचुरल सिग्निफिकेटर माना जाता है। तो जी जब भी हम मैरिज को बर्थ चार्ट में देखते हैं या मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश करते हैं, तो उस समय हम वीनस की बर्थ चार्ट में क्या प्लेसमेंट है उसको बहुत डीपली एनालाइज करते हैं, और ये जरूरी भी है। तो जी अगर बर्थ चार्ट में वीनस अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है, जी शुभता के साथ प्लेस्ड है, तो जी ये किसी भी व्यक्ति के लिए एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। मतलब जी एक शुभ शुक्र बर्थ चार्ट में एक ब्लेसिंग की तरह है। जी तो यहाँ पर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति, और इसकी इम्पोर्टेंस इस बात की इतनी अधिक है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट के 7th हाउस में कोई पाप ग्रह है या जी 7th लॉर्ड के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो ये चीज व्यक्ति को मैरिज और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तो दे सकती है। जी लेकिन अगर उसका वीनस जी शुभता के साथ प्लेस्ड है, पॉजिटिवली प्लेस्ड है, उसके जी ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो भले ही मैरिज और रिलेशनशिप में कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, व्यक्ति जो है उन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाएगा। जी तो जी शुभ जी शुक्र वीनस की अच्छी स्ट्रेंथ हो बर्थ चार्ट में, उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, वो जी जी पॉजिटिवली प्लेस्ड हो, वेल प्लेस्ड हो बर्थ चार्ट जी में जी शुभ भाव में, तो वो एक ब्लेसिंग के बराबर है। जी 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 बिल्कुल आपने ठीक कहा ऋचा जी कि ये अब देखिए ऐसे कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमने ये भी देखा है कि इसके साथ साथ जब आप शुभता शुक्र की देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि एनर्जी जो है वो मैटर करती है, और शुक्र के पास एनर्जी नहीं होती है, शुक्र डजन हैव इट्स ओन एनर्जी, बिकॉज शुक्र इज एन एलिमेंट, जैसे आपने कहा मैरिटल हैप्पीनेस, राइट? यस तो जो वर्ड हैप्पीनेस है उसको मैं शुक्र मान सकता हूँ, राइट? बट उसके पीछे उस हैप्पीनेस को लाने में जो एनर्जी की जरूरत होती है, दैट इज रिक्वायर्ड। अब मान लीजिए किसी का शुक्र बहुत वेल प्लेस्ड हो, राइट? और वहां पर बृहस्पति खराब हो उस कुंडली के अंदर, तो जितना मर्जी अच्छा शुक्र बैठा हो, संतान की प्राप्ति में दिक्कत परेशानी का सामना, वैवाहिक जीवन में जो है प्रॉस्पेरिटी का सामना जो है करना पड़ता है। तो टेक्निकली जो लोग मिसकॉन्सेप्शन लेकर आते हैं, वो लेकर आते हैं कि शुक्र को ही
हैप्पीनेस समझ लेते हैं, लेकिन शुक्र वो एनर्जी है जो खुशी की अनुभूति है, यू नो समथिंग बिल्कुल दैट यू फील, यू नो लाइक फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द रोमांस, अब कहते हैं शुक्र इज अ कार्क ऑफ रोमांस, ओके, बट एक्चुअली द प्लेजर दैट कम आउट ऑफ द रोमांस ड्यूरिंग द रोमांस दैट इज वीनस, वो शुक्र है. बिल्कुल रोमांस इज कमिंग फ्रॉम चंद्र, इट इज कमिंग फ्रॉम द माइंड, इट इज कमिंग फ्रॉम द मून, वो चंद्र से आ रहा है क्योंकि मन में आपके रोमांस है. अगर चंद्र आपका खराब है तो आपके जीवन में बहुत ही एक यू नो एक डिफरेंट कलर टाइप का रोमांस हो सकता है, चाहे वो आप उसको ऑब्सेसिव रोमांस भी कह सकते हैं, राइट, या तो बहुत ज्यादा या बिल्कुल ही एक अजीब लेवल का. लेकिन जो शुक्र है वो रोमांस नहीं है, शुक्र इज द प्लेजर दैट कम्स आउट ऑफ द रोमांस, द हैप्पीनेस दैट कम्स आउट ऑफ द प्रॉस्पेरिटी. तो यहाँ पर मैंने ये भी देखा है ऋचा जी कि जब हम मैरिड लाइफ की या मैरिटल स्टेटस की बात करते हैं तो हम एक कॉमन मैन की बात कर रहे हैं, यू नो एक एक जन समूह की बात कर रहे हैं जिनके लिए हम हॉरोस्कोप्स देखते हैं. लेकिन शुक्र को मैंने जहां तक देखा, एफ्लिक्टेड शुक्र को अगर ध्यान से उसको समझने की कोशिश की जाए तो मैं मानता हूं कि वो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम ला सकता है, लेकिन वो स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर आपको डेफिनेटली एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है. क्योंकि जितने भी मैंने महान जो सेजेस ऋषि मुनि या आज की डेट में गुरु महात्मा जो सच में गुरु हैं सच में महात्मा हैं उनकी कुंडली में मैंने शुक्र को वीक देखा है, अफ्लिक्टेड तो नहीं देखा है लेकिन डेफिनेटली उनको वीक देखा है. और जैसे ही वो वीक हुआ विवाह मैरिज और ये जो रोमांस है उससे वो उठाकर डिवोशन की तरफ ले जाता है. दैट इज समथिंग विच इज सीन. बिल्कुल, क्योंकि शुक्र जो एग्जॉल्टेड होता है वो भी पाइसेस साइन में एग्जॉल्टेड होता है, जी तो जो जी जी हाईएस्ट स्पिरिचुअल व्यक्ति हो सकता है इस तरह जी से। तो यहाँ पर मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि व्यक्तियों में जो संतान पैदा करने की क्षमता है जी उसको भी हम शुक्र से ही देखते हैं। जी जी और यहाँ पर अगर सूर्य और शुक्र बर्थ जी चार्ट में अगर क्लोजली कंजंक्ट हो जी तो ये जी भी मैरिज और रिलेशनशिप को बहुत गहरे तक जो है वो प्रभावित कर जी सकते हैं। नेगेटिवली तो हिट करता है. बिल्कुल, जी. तो ये जो अगर वीनस और सन की कंजंक्शन हमारे बर्थ चार्ट में अगर बन रही है जी तो इसको बहुत डीपली बहुत क्लोजली एनालाइज करने की जरूरत जी है, जी स्पेशली अगर ये विद इन 3 डिग्रीज बन रही है जी तो जी ये मैरिज और रिलेशनशिप को बहुत गहरे तक प्रभावित कर सकती है, क्योंकि ये दोनों फिर नवांश में भी सेम नवांश में आएंगे। जी और जी यहाँ पर हमें ये भी देखना होगा कि जो शुक्र है जी जब वो विद इन 3 डिग्रीज है तो क्या वो सूर्य को क्रॉस कर चुका है या नहीं। जी तो जी अगर उसने सूर्य को क्रॉस नहीं किया है तब भी रिलेशनशिप प्रॉब्लमेटिक रहेगा, लेकिन जी अगर वो सूर्य को क्रॉस कर चुका है और जी फिर वो विद इन 3 डिग्रीज है तो जी देन इट इज फाइन. वहां पर जो शुक्र है वो जल तत्व प्रधान ग्रह है, तो जी सूर्य क्योंकि बहुत तेज बहुत जी गर्मी जो सूर्य की जी है वो वीनस के जो जल तत्व को है वो एकदम खत्म से कर दे. ड्राई कर देती है। जी तो जी जी यहाँ पर जो है वाइटैलिटी इश्यूज जी व्यक्ति के जीवन में हो सकती है, जिसकी वजह से व्यक्ति के जी जीवन में रिलेशनशिप में मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है जी व्यक्ति के जीवन में हो सकती हैं। और जी इतनी क्लोज अगर कंजंक्शन हो और जी वीनस जो है जी वो क्रॉस कर चुका हो सूर्य को, तो जी यहाँ पर व्यक्ति को जो है संतान प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मेडिकल सपोर्ट भी लेनी पड़ सकती है। तो जी ये सारी चीजें जो है व्यक्ति के जीवन में जो है मैरिज और रिलेशनशिप में जो है काफी प्रॉब्लम्स जी दे सकती हैं। जी जी बिल्कुल तो ठीक कहा आपने, क्योंकि मेरा कुछ एक्सपीरियंस ऐसा भी रहा शुक्र और सूर्य का कि कहीं ना कहीं पर मैंने बिसाइड दी सेक्सुअल वीकनेस या वाइटिलिटी या लिबिडो की बात आपने जो इसमें कही, इसके अलावा कहीं ना कहीं डिवोशन को भी ये खत्म कर देती है चीज, यू नो डिवोशन. और मैंने इवन दो जुपिटर अच्छा था और उनकी लिबिडो में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, संतान प्राप्ति या मार्स मंगल भी अच्छे बैठे हैं, अभी मेरे पास एक कुंडली आई जिसमें शुक्र और सूर्य की युति विद इन 2 डिग्रीज थी,
और मंगल जो है बहुत ही अच्छा कुंडली के अंदर था, बृहस्पति भी केंद्र में था, बृहस्पति भी लगन में बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे थे, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम या लिबिडो में प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन डिवोशन की कमी थी। तो ये दो एस्पेक्ट देखिए पैरेलल चलते हैं, एक तो फिजिकल आपको लिबिडो लॉस या प्रॉब्लम या वाइटिलिटी में प्रॉब्लम आई, और दूसरी आपकी डिवोशन, ये जो डिवोशन है वो एक जल की तरह है, सूदिंग, यू नो, बिल्कुल और वो डिवोशन भी कहीं ना कहीं पर ये कॉम्बिनेशंस खत्म कर देते हैं, और ये डिवोशन केवल लाइफ पार्टनर के लिए ही नहीं, उस परमात्मा के लिए भी, बिल्कुल यू नो, ऐसे लोगों को मैंने थोड़ा सा एथिस्ट या नास्तिक भी देखा है, राइट? तो कहीं ना कहीं पर वो अगर पूजा पाठ करेंगे भी तो एक्सट्रीम कंडीशंस में जाकर करेंगे, जहां पर उनके स्टेटस का सवाल आ जाएगा, क्योंकि शुक्र की जगह यहाँ पर सूर्य देवता जो है उनको डोमिनेट कर रहे हैं। मतलब एक तरह से सूर्य और शुक्र बहुत क्लोजली कंजंक्ट हो तो जो रिलेशनशिप है वो एक तरह से बहुत एजिटेटेड रिलेशनशिप करेक्ट, भी हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता नवनीत है जी कृपया आप बताइए कि अगर शुक्र राहु जी। एक साथ हो, क्लोजली कंजंक्ट हो, तो वो रिलेशनशिप और मैरिज को कैसे प्रभावित करते हैं? देखिए, राहु एक ऐसी एनर्जी है जो लाइफ में इनसिक्योरिटी पैदा करती है, मैं एक वर्ड में आपको कहूंगा, राइट? जहां पर भी मैंने राहु को देखा है, राहु का जो डिपॉजिटर है, डिस्पॉजिटर जहां बैठा होता है वहां पर सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो जो है बनाने वाला हूं। और शुक्र जब उसके साथ आ गए, तो जब शुक्र उसके साथ आ गए, एक तो वो शुक्र को नेगेटिवली कैटलिस्ट की तरह काम करके बहुत ज्यादा एनहेंस कर देते हैं, वो शुक्र को डिजायर्स ऑब्सेसिव बना देते हैं, लोग कहते हैं ना, को बहुत बढ़ा बहुत देते हैं। बढ़ा देते हैं हम, जैसे लोग कहते हैं कि राहु जिसके साथ बैठता है वैसा हो जाता है, एक्चुअल में इट्स वाइस वर्सा, यू नो, कि जो ग्रह राहु के साथ क्लोजली कंजंक्ट होता है उसके अंदर राहु की ट्रेड्स बहुत बढ़ जाती हैं एज मतलब उसकी कंपेयर टू, प्योरिटी उतनी नहीं रहती। जी, तो उसमें जो आपका जो डिवोशन है वो इतना बढ़ जाता है टुवर्ड्स रोमांस एंड लव एंड द प्लेजर विच इज कमिंग आउट ऑफ द रोमांस, कि अगर इंसान, क्योंकि राहु भी बहुत पॉजिटिव है, राहु का वध जो है विष्णु जी ने किया है, राहु जो है ऑलरेडी लिबरेटेड है, अगर उस राहु को सही तरीके से यूज कर लिया जाए, राइट, इन दैट मींस कि आपकी डिवोशन मान लीजिए परमात्मा की तरफ हो गई, तो वो इतनी ऑब्सेसिव डिवोशन परमात्मा की तरफ हो जाएगी कि आपको सब चीजें आसपास भूलने लगेंगी। लेकिन अगर वाइस वर्सा वो संसारिक चीजों में इंसान घुस गया है, उसमें चला गया, उसमें इन्वॉल्व हो गया, सो देन इट कैन कॉज, यू नो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मल्टीपल अफेयर्स, योर ऑब्सेशन टूवर्ड्स लग्जरी, यू नो, योर ऑब्सेशन टूवर्ड्स हैविंग अ गुड होम, कंफर्ट, हैविंग अ गुड कार, राइट? तो उसकी तरफ जो है आपका ऑब्सेशन बहुत ज्यादा राहु और शुक्र की जो युति है बढ़ा देती है, और अगर वो पॉजिटिव हो गई तो ये सारा का सारा जो ऑब्सेशन है ये एक डिवाइन एनर्जी में कन्वर्ट होकर आपको जीरोनेस की तरफ ले जाता है। बिल्कुल सही नवनीत जी। तो इसके बाद मैं बात करना चाहूंगी शुक्र केतु, एक और एक जी बहुत ही स्पेसिफिक कंजंक्शन है जो जी मैरिज और रिलेशनशिप को बहुत प्रभावित करती है। और आज जी की डेट में जब हम कंसल्टेशंस करते हैं तो बहुत से चार्ट्स में इस जी कलयुग में हमें शुक्र केतु जो है एक साथ दिखाई देते हैं, चाहे वो D1 में दिखाई दे या जी D9 में दिखाई दे। जी तो शुक्र केतु की कंजंक्शन आज की डेट में व्यक्ति के जीवन को बहुत प्रभावित कर रही है और जी बहुत से व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में ये जी हम देखते भी हैं। तो जी देखिए, वीनस जहाँ एक तरफ लव, रोमांस, हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, जी वहीं दूसरी तरफ जो केतु है वो आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है, जी 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 स्पिरिचुअलिटी, डिटैचमेंट, सेपरेशन को। और जब ये दोनों ही ग्रह, शुक्र और केतु, बिल्कुल ओपोजिट कारक तत्वों वाले ग्रह जब बर्थ चार्ट में साथ में जी क्लोजली कंजंक्ट होते हैं, तो ये भी व्यक्ति के रिश्तों को, मैरिज रिलेशनशिप को बहुत गहरे से प्रभावित जी करते हैं। जी तो जी इस कंजंक्शन को मतलब बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करने पर
मैंने पाया कि जिस भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में इस तरह की कोई कंजंक्शन बनती है तो वहां पर वो जो व्यक्ति है उसके माइंड में ना एक आइडियल पार्टनर को लेकर एक इमेज रहती है। करेक्ट तो जी उस इमेज को जो भी व्यक्ति उसके जीवन में एट प्रेजेंट है उस व्यक्ति के साथ उस आइडियल इमेज को जरूर कंपेयर करता है जी कि एक आइडियल इमेज है और अभी जो व्यक्ति जीवन में है वो कैसे बिहेव कर रहा है और वो व्यक्ति चाहता क्या है कि उसको बिहेव करना कैसे चाहिए। और यहीं से शुक्र केतु युति का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू होता है क्योंकि व्यक्ति की जो मतलब जो जी उसका आइडियलिज्म है उसकी जी जो एक्सपेक्टेशंस है वो रियलिटी से मैच नहीं करती। एग्जैक्टली तो जी, हाँ तो देखिए पता है, व्यक्ति जी हाँ जी देखिए तो ये हाँ जी जी, बोलिए केतु की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे आपने कहा कि जो एक आपके माइंड में इमेज आ जाती है, मैं उस बिल्कुल इमेज को हेडलेसनेस कहूंगा। बिल्कुल हेडलेसनेस का मतलब क्या है कि आपने किसी के बारे में एक छवि अपने मन में बना ली कि मेरी पत्नी ऐसी होगी या मेरी बिल्कुल गर्लफ्रेंड ऐसी होगी। अब चाहे उससे बढ़िया भी कोई लड़की हाँ मिल जाए, वो उसमें उसको कुछ नजर ही नहीं आएगा, बिल्कुल बिकॉज उसकी जो छवि जो है उसके मन में बैठ चुकी है, वही होनी चाहिए। और बिल्कुल यहां से एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट शुक्र केतु की युति बनाती है। बिल्कुल। और वो उसी इमेज को उसके साथ जो प्रेजेंट व्यक्ति उसके जीवन में है उसके साथ कंपेयर करते हैं जी और जी यहीं से रिश्तों में डिससैटिस्फेक्शन की शुरुआत होती है जी 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 और डिटैचमेंट भी आनी शुरू होती है। और इसका फाइनली क्या होता है कि व्यक्ति अपने रिलेशनशिप में डिससैटिस्फेक्शन डिटैचमेंट की वजह से फाइनली जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगता है। जी वो अपनी जी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है वो स्पिरिचुअलिटी में व्यक्ति जो है वो ढूंढने लगता है। जी तो शुक्र केतु युति के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी मैंने ऑब्जर्व की जी है जी कि ऐसे लोग जो हैं जिनके बर्थ चार्ट में इस तरह की युति बनती है चाहे वो बहुत क्लोज हो या थोड़ा डिस्टेंस भी हो तो ऐसे लोग ना क्लोथ्स को लेकर बहुत ज्यादा चूजी रहते हैं कि जी अगर उनको ब्लू कलर की शर्ट चाहिए उनके माइंड में एक जी इमेज है कि उनको जी ऐसा शेड चाहिए इस तरह का जी ब्लू कलर चाहिए और वो जी उस कलर को उस टाइप की शर्ट को जो इमेज उनके दिमाग में है उसको 10 जगह ढूंढ सकते हैं और जी चाहे उससे बेटर भी उनको दिखाई दे तब भी उनके माइंड में जो एक इमेज बनी हुई है वो वही चाहेंगे कि वही चीज उनको मिलनी चाहिए। और यही एग्जैक्टली चीज जो है रिश्तों में भी देखने में आती है। एग्जैक्टली। और देखिए एक चीज मैंने और यहाँ पे नोटिस की है कि ये सिमिलर फीलिंग एक और कॉम्बिनेशन में भी अवेलेबल है। वो कॉम्बिनेशन है जब शुक्र आपके दशम भाव में विराजमान हो। जब भी बिल्कुल शुक्र दशम भाव में विराजमान होगा, सबसे पहले उसकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ 0 हो जाएगी, उसका दिग्बल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल जैसे ही शुक्र का दिग्बल जो है खत्म हो जाता है, दैट इज द टाइम जब आपके रिश्तों में अनवांटेड डिससेटिस्फैक्शन जो है वो आपके लाइफ में आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि दशम भाव का शुक्र शुक्र और केतु की युति की तरह ही बिहेव करता है। आप उसको कहीं पे भी अप्लाई करके देखिए कि 10th हाउस में आपके शुक्र है, जस्ट टेल मी फीडबैक, जस्ट गिव मी फीडबैक ऑन योर मैरिड लाइफ, देयर विल बी डिससेटिस्फैक्शन फॉर नो रीजन। और जो लाइफ पार्टनर है वो व्यक्ति को उसके बिहेवियर को उसकी लाइफ को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश भी करेक्ट कर सकता है अगर वीनस या तो कैप्रिकॉर्न साइन में हो या जी, फिर टेंथ दशम हाउस में हो। जी। और तो आप मैंने क्या बताना चाहेंगे, आपके पास कोई और तो युति एक्सपीरियंस है? बिकॉज बहुत अच्छी चर्चा यहाँ पे चल रही है, आप देखिए एक्सपीरियंसेस आप बता रही। नवनीत जी आप तो अपने से बताइए कुछ। देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा डिब्लिएटेटेड वीनस के बारे में। देखिए लोग कहते हैं कि डिब्लिएटेटेड वीनस अगर किसी की कुंडली में देख लिया तो मैंने देखा है कि अरेंज मैरिजेस में अगर लड़के की कुंडली में शुक्र नीच का हो तो वो देखकर शादी को ना कर दी जाती है, अगर वो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं। शुक्र अगर नीच का है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इम्पोर्टेंट हैं। आई मस्ट टेल यू दैट आई हैव सीन मैनी चार्ट्स जहां पर शुक्र नीच का था और वहां पर हेल्दी बच्चे पैदा हुए हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम उनके जीवन में नहीं आई। हाँ, शुक्र नीच ने डेफिनेटली हेल्थ प्रॉब्लम्स दी हैं, रेड स्किन इश्यूज दी हैं, वाइटिलिटी दी है, लेकिन अगर आपका शुक्र नीच है, यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग
चांस ऑफ बिकमिंग अ डिवोटी, यू आर वेरी गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू द गॉड, राइट। ये मैंने देखा है, मैंने कितने सारे डिवोटीज की कुंडली में शुक्र को वर्गों के अंदर देखा है। ऑन द सेम टाइम अगर आपका शुक्र एग्जॉल्टेड हो, यू शुड नॉट फील हैप्पी अबाउट इट। आई मस्ट टेल यू दैट, बिकॉज एग्जॉल्टेड शुक्र इज अ वेरी वेरी डेंजरस शुक्र, क्योंकि उसमें डिवोशन का लेवल इतना ज्यादा होता है कि इंसान अपने पार्टनर को भगवान मानने लग जाता है। और अगर आप अपने पार्टनर को भगवान मानते हो, ये कोई बुरा नहीं है, लेकिन टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस ये बताते हैं कि आप कलयुग में हैं, आप सतयुग में नहीं हैं। और आप जिसको भगवान मान रहे हो, जिस दिन आपको ये लगता है कि ये भगवान नहीं है, राइट, दैट इज द टाइम। उसके बाद आप जीवन में किसी के साथ भरोसा ही नहीं कर सकते, आप किसी को दोबारा भगवान बिल्कुल मान ही नहीं सकते। ये एग्जॉल्टेड शुक्र की कहानी है। और जो नीच का शुक्र है, जो वर्गो राशि में शुक्र, अभी मैं नक्षत्रों में नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, लेकिन जो नीच का शुक्र है वो एक एडजस्टिंग शुक्र है। दैट पर्सन विल एडजस्ट, राइट, वो नखरे भी सहेगा, वो सब तरह से कॉम्प्रोमाइज करेगा, साथ रहेगा, डिवोशन उसके अंदर भी होगी, लेकिन वो डिवोशन अगर कहीं पे हर्ट होती है तो वो टूटेगा नहीं, इल अगेन रीबिल्ड, बिकॉज शुक्र की जो डिवोशन है वो एक एवरेज डिवोशन आई वर्गो के अंदर, राइट। और पाइसिस के अंदर इट इज एट दी हाईएस्ट लेवल। सो जब हाईएस्ट लेवल होगा तो आप बहुत जल्दी वैराग्य में जो है आप जा सकते हैं, विच इज अ वेरी वेरी डेंजरस पोजिशन। मैंने चतुर्थ भाव के शुक्र को अच्छा देखा है, लेकिन चतुर्थ भाव का शुक्र भी, क्योंकि उसके पास संपूर्ण दिग्बल है, 100% डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, ये भी एक डेंजरस पोजिशन है। यू विल गेट बोर्ड फ्रॉम अ पर्सन वेरी क्विकली, बिकॉज यू आर सो डिवोटेड, जहां पर आपकी डिवोशन हिट हुई आप वहां पे उसको छोड़ दोगे, यू विल मूव अहेड, राइट। दैट इज द प्रॉब्लम विद द स्ट्रॉन्ग वीनस, राइट, बिकॉज यू कैन स्विच, यू कैन वॉक अवे फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, यू विल नेवर कम बैक, राइट। तो ये कुछ ऐसी मैंने प्रॉब्लम्स शुक्र की देखी हैं। पंचम भाव में शुक्र जो है वो बच्चों की तरफ बहुत ज्यादा डिवोटेड बना देता है। यू नो आई हैव सीन पीपल हु आर रियली डिवोटेड टुवर्ड्स किड्स, देयर चिल्ड्रन, क्रिएटिविटी। छठे भाव के शुक्र को मैंने बहुत से फिल्म एक्टर्स की कुंडली में देखा है, बिकॉज देयर इंटायर लाइफ इज टुवर्ड्स यू नो बीइंग आर्टिस्ट, ड्रामा क्रिएशन, मूवीज, तो उसकी तरफ भी जाता है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि इफ यू फाइंड अ डिब्लिएटेटेड वीनस इन अ चार्ट, देयर इज नो नीड टू वरी, एंड इफ यू फाइंड अ वेरी गुड एग्जॉल्टेड एंड अ वेरी नाइसली प्लेस्ड शुक्र, राइट, ट्रस्ट मी, इट कैन बी अ वेरी टर्बुलेंट पोजिशन, वेरी टर्बुलेंट पोजिशन, बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ डिवोशन, राइट, वो बहुत ज्यादा डिवोशन दे देगा, और ज्यादा डिवोशन कलयुग में जो है वो दुख का कारण बन रही है, स्पेशली अगर वो डिवोशन परमात्मा के साथ जुड़ी हुई डिवोशन ना हो, अगर वो ह्यूमंस के साथ जुड़ी हुई डिवोशन हो तो। तो नवीन जी, मैं यहाँ पर जो डेबिलिटेटेड वीनस है उसके बारे में जी अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस के बारे में जी बात जी करना चाहूंगी कि जी देखिए, अगर शुक्र डेबिलिटेटेड है, नीच अवस्था में है, तो वो डिवोशन जरूर देता है, लेकिन मटेरियल लेवल पर, क्योंकि शुक्र जो है वो 6 नंबर की राशि वर्गो में जो है वो डेबिलिटेटेड माना जाता है, तो वर्गो क्योंकि साइन है एनालिसिस का, लॉजिक का, तो व्यक्ति जो है अपने मैरिज और रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा लॉजिकल हो सकता है और ओवर एनालिटिकल हो सकता है। तो देखिए, जब रिश्तों में और मैरिज में, क्योंकि वीनस जो है वो लव रोमांस को रिप्रेजेंट करता है, तो जब रिश्तों में और मैरिज में बहुत ज्यादा ओवर एनालिसिस आ जाता है, तो ये तो एक बहुत ज्यादा बैड, एनालिसिस आ जाता है, तो प्यार कहाँ रहता है? बोलते बोलते हैं ना कि लव इज ब्लाइंड, तो जब वो वर्गो के साइन में आ जाता है इट इज नॉट मोर तो ब्लाइंड, ओवर एनालिसिस शुरू हो जाता है हर चीज का। उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों कहा, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं ऐसा करना चाहिए था, तो वो जो ओवर एनालिसिस है वो बहुत बार बहुत गहरा हो जाता है, तो वहां पर प्यार एकदम से बहुत कम हो जाता है, या एक डिससेटिस्फेक्शन जो है
वो रिश्तों जी में आने लगती जी है। तो बिल्कुल हालांकि वीनस अगर डेबिलिटेटेड हो तो ये नहीं है कि व्यक्ति का डिवोर्स हो जाएगा, ऐसा कुछ जी नहीं है। जी जी डिवोर्स तभी होता है अगर डिवोर्स का योग बर्थ चार्ट बनता पे बना हो, हो, एग्जैक्टली नहीं तो एग्जैक्टली लोग चाहे 20 साल झगड़ा करते रहे, उनका अगर डिवोर्स नहीं डिवोर्स का योग होगा नहीं बना है तो तो डिवोर्स नहीं नहीं होगा। होगा। लेकिन जो डेबिलिटेटेड वीनस है वो व्यक्ति को ओवर एनालिसिस, रिश्तों में ओवर एनालिसिस की वजह से जी जो है एक डिससैटिस्फेक्शन की फीलिंग व्यक्ति को जी जरूर देता है। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी इसके साथ जी जुड़ी हुई हैं जी कि देखिए, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में डेबिलिटेटेड वीनस है, चाहे वो D1 में जी हो या D9 जी में हो, तो जी ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति के जीवन में कुछ कमी होगी। जी मतलब कुछ अच्छे योग भी अगर उसके बर्थ चार्ट में बने हुए हो तो जी ऐसे व्यक्ति के पास बहुत कुछ हो सकता है। तो डेबिलिटेटेड वीनस की अगर कोई व्यक्ति है तो कभी उसकी वार्डरोब को खोल कर चेक करिए, तो उसमें ब्रांडेड क्लोथ्स, मतलब वो जी जी ब्रांड ऑब्सेसिव हो सकते हैं कि सब कुछ जी चाहिए, लेकिन वो अपनी वार्डरोब को खोलकर कभी ये नहीं सोचेंगे कि मेरे पास क्या क्या है, वो ये देखेंगे कि मेरे पास क्या नहीं है और मैंने अब नेक्स्ट ऑनलाइन ऑर्डर करके क्या मंगवाना है। मतलब जी जो है उस पर उनका उतना फोकस नहीं है, जी जो जी नहीं जी है उस पे ज्यादा उनका, वो फोकस उसी को रखते ओवर हैं एनालिसिस करते जा रहे हैं कि ये नहीं है, ये चाहिए जी। मुझे, और ऐसा होना चाहिए। ये एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण शादी बच जाती है, बिकॉज दे कीप ऑन थिंकिंग रेदर देन टू ब्रेक। बिकॉज जो बिल्कुल एग्जॉल्टेड शुक्र है वो ब्रेकअप कर देगा। जब बिल्कुल एनालाइजेस आप किसी को एनालाइज करेंगे अपने प्यार को, तो उसमें आपको हाँ दो चार चीजें अच्छी मिल जाएंगी, पांच सात बुरी मिल जाएंगी, तो दो चार चीजें अच्छी के बिल्कुल सहारे वो जिंदगी निकाल देंगे। बट इफ इट इज एन एग्जॉल्टेड शुक्र, तो वो आपको एक्चुअल डिवोशन की तरफ ले जाता है, इस चीजों से हटा देता है। और दैट इज द रीजन मैंने 7th हाउस में एग्जॉल्टेड शुक्र वाले लोगों को अनमैरिड देखा फॉर लॉन्ग टाइम। मैंने एग्जॉल्टेड शुक्र वाले लोगों की मैरिज को एक एक डिवोशन का रूप देते हुए देखा, जहां पर वो हर्ट हुए। अच्छा, यही शुक्र अगर अष्टम भाव में चला जाए, वहां पर आपको डिवोशन, प्यार, और उस जो प्यार की एक एनर्जी है, उस डिवोशन की जो एनर्जी है, उसकी वजह से मैंने लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आती देखी है। कि मान लीजिए आप किसी के लिए बहुत डिवोटेड थे, आप बहुत प्यार करते थे, समहाउ आपको उस प्यार, उस डिवोशन का उतना सामने से नहीं मिला, एंड नाउ यू विल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म इनटू सम अदर लेवल, सम स्पिरिचुअलिटी, ज्योतिष। आई हैव सीन पीपल विद शुक्र इन दी इन दी 8th हाउस बिकमिंग एक्सट्रीमली डिवोटेड टूवर्ड्स अकल्ट साइंसेस, बिकॉज उनकी डिवोशन वहां पे नहीं, वो अकल्ट साइंसेस की तरफ जानी शुरू हो जाती है। इवन दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पोजिशंस ऑफ वीनस। पीपल से, ओ आई हैव वीनस इन द 8th हाउस। फॉर मी द मोमेंट आई लुक एट वीनस इन द 8th हाउस, एंड वो बंदा कहता है कि नवनीत जी मुझे आपसे ज्योतिष सीखना है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पोजिशंस टू टीच समवन ज्योतिष, बिकॉज आई नो दैट दैट पर्सन विल बी डिवोटेड टूवर्ड्स वट एवर आई एम ट्राइंग टू टीच दैट पर्सन। बिल्कुल, तो यहाँ तक मतलब समझ सकते हैं हम कि अगर शुक्र अष्टम भाव में है तो ये आप समझिए कि शुक्राचार्य का आशीर्वाद है। ये जी व्यक्ति को बहुत डिवोटेड बनाता है, जी जी ट्रांसफॉर्मेशन जी लाता है जीवन में, जी जी और व्यक्ति बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकता है, जी ऑकल्ट जी में उसका बहुत ज्यादा जी इंटरेस्ट भी। और अगर इसी शुक्र के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी है तो लॉन्जेविटी में बहुत वृद्धि होती है व्यक्ति यस की, या तो ये प्लेसमेंट भी बहुत जी अच्छी है। इनफैक्ट इसके ऑपोजिट, जब 2nd हाउस की अगर हम बात करते हैं, तो 2nd हाउस का शुक्र जो है वो आपको डिवोशन देता है टेस्ट बड्स के ऊपर, खाने पीने के ऊपर। बिल्कुल सेकेंड हाउस का जो वीनस है, मैंने इतना ऑब्जर्व किया, पीपल आर क्रेजी फॉर, दे आर डिवोटेड टूवर्ड्स ईटिंग। दे विल प्लान विद डिवोशन कि आज सुबह ये खाएंगे दोपहर। बिकॉज मेरी जीवन में जब मैंने शुक्र को समझा, रेदर देन बींग एंजॉयमेंट एंड रोमांस, जहां भी शुक्र बैठा है आपकी कुंडली में, राइट, सम हाउ यू विल बी डिवोटेड टूवर्ड दैट पर्टिकुलर थिंग, देर इज नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज शुक्र इज बेसिकली डिवोशन। दैट इज द बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड, जहां भी बैठा है शुक्र आपको उस चीज के लिए ज्यादा डिवोटी कर देगा।
अगर कर्म स्थान पे बैठा है तो कर्म स्थान को डिवोटी करके पर्सनल लाइफ को हिट कर देगा, सारी जिंदगी एक तरह से कंपटीशन की तरह, वॉर जोन की तरह निकल जाएगी, उधर आपकी जो है डिवोशन ले आएगा। तो ऋचा जी नमित, बहुत बहुत मजा आ रहा है मुझे, राइट? बिल्कुल और क्या कुछ है बताना चाहें, या फिर वीडियो बिल्कुल को बिल्कुल एंड करते हैं और फिर अगली वीडियो हाँ का जो बिल्कुल। है प्लान करते तो हैं? सर देखिए, यहाँ पर एक और एक बहुत ही जी स्पेसिफिक प्लेसमेंट है शुक्र की। अगर वो कैंसर साइन में, बर्थ चार्ट में प्लेस हो कर्क जी राशि में, जी तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट है। जी कि देखिए, जब भी शुक्र कैंसर साइन में होगा तो व्यक्ति जो है वो रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जी सकता है, और जी वो दूसरे लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा भी कर सकता है जी बहुत जी जल्दी। तो हालांकि यहाँ पर यदि शुक्र जी आश्लेषा, स्पेशली जी आश्लेषा में हो, जी तो व्यक्ति जो है दूसरों के ऊपर बहुत जल्दी भरोसा कर सकता है। और जी ऐसा वीनस हो बर्थ चार्ट में और कोई मारक ग्रह की दशा अगर आ जाए, जी तो आश्लेषा, क्योंकि चीटिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, तो जी व्यक्ति के जीवन में, रिलेशनशिप में उसे चीटिंग भी मिल सकती है। मिलती है। हालांकि जो आश्लेषा में जो शुक्र प्लेस्ड जी हो, वो लेटर लाइफ में उसको स्पिरिचुअल, बहुत अच्छे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जी दे सकता है, जी स्पिरिचुअल एनलाइटनिंग दे सकता है। जी तो यहाँ पर यदि किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शुक्र कैंसर साइन में प्लेस्ड हो, कर्क राशि में प्लेस्ड हो, तो व्यक्ति को जो है एकदम से किसी पर बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, जी रिलेशनशिप में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कुछ वक्त लेना चाहिए ताकि वो उसको एनालाइज कर पाए, क्योंकि वो ऑलरेडी इमोशनल है पर्सन, तो वो बहुत जी जल्दी किसी के ऊपर भरोसा कर सकता है। तो मान लीजिए किसी के बर्थ चार्ट में वीनस जो है वो कैंसर साइन में है, तो उन्होंने रिश्तों में हमेशा समय लेना चाहिए, मतलब बहुत जल्दी जो एब्सोल्युटली है जी वो डिसाइड नहीं करें, कुछ वक्त लें, उसको एनालाइज करें, फिर जाकर डिसाइड करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सही ऑब्जर्वेशन है, और मैंने इस ऑब्जर्वेशन को क्लोजली जो है देखा है, एंड इट इज बैंग ऑन, इट्स एब्सोल्यूटली बैंग ऑन। सो लेडीज एंड बिल्कुल जेंटलमैन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, बहुत छोटी सी डिस्कशन हमने की और बहुत फैमिली ओरिएंटेड वे में हमने ये डिस्कशन की है आप लोगों के साथ, और हमने इसमें कुछ भी फॉर्मल नहीं रखा है, यू नो वी जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू नो अवर एक्सपीरियंसेस ऑफ डूइंग कंसल्टेशंस। एंड आई मस्ट टेल यू, राइट, रिचा जी इज वन ऑफ द बडिंग एस्ट्रोलॉजर, शी इज डूइंग वेरी वेल, हर रिसर्च इज फैंटास्टिक, शी हैज अ चैनल रिचा एस्ट्रोविजन, एंड यू नो यू शुड सब्सक्राइब टू हर चैनल। यू नो मैं इनकी चैनल की डिस्क्रिप्शन जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, राइट, गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, शी इज गॉट लॉट ऑफ वीडियोज, इज अराउंड मोर देन 150 200 वीडियोज देयर ऑन हर चैनल, सुपर्ब इंफॉर्मेशन शी इज गिवन, शुड गो एंड वॉच हर चैनल यू नो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, विल कम अप विद मोर वीडियोज। टिल देन, ऋचा जी बहुत बहुत शुक्रिया, हरे आपका कृष्णा। धन्य, हरे कृष्णा।